वेलकम बैक बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 16 में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फॉरम। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम सेल कोटेशन इनेबल करेंगे, सेल ऑर्डर इनेबल करेंगे एंड देन परचेज कोटेशन एंड परचेज ऑर्डर जो है वो इनेबल करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक जब ट्रेड बिजनेस होता है तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हम किसी जगह से जो है वो आइटम परचेज करते हैं और या तो फिर हम किसी पार्टी को सेल करते हैं, तो इन चीज़ों का जो है वो इनेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम इसी वीडियो में जो है वो कैप्शंस के ऊपर भी बात करेंगे कि कैप्शंस क्या हैं, उनको किस तरह से चेंज किया जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इनको समझना आगे चल के जो है वो मसला आपको नहीं हो सकता। आप बिल्कुल जो है इसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग का जो है वो काम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर पे आ चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेल कोटेशन, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर ये कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे सेल्स आ रही है डायरेक्टली जब हम क्लाइंट को सेल करते हैं, उसके बाद परचेज आ रही है जब हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं, यानी हम किसी वेंडर से परचेज करते हैं, और उसके बाद सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। और जब हम हमारा जो स्टॉक है वो इशू हो जाता है, यानी वो उसके उसका जो चलान बन जाता है, तो वहाँ पे ये देखिए मटेरियल इशूड है। इसके अलावा इससे पहले जो है वो सेल कोटेशन एंड परचेज कोटेशन आती है। तो वो कहाँ पे होती है, सबसे पहले हम उनको इनेबल कर लेते हैं, उसके बाद हम कैप्शंस के ऊपर जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ट्रेड बिजनेस में, हम उनको जो है वो इनेबल कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम कैप्शंस के ऊपर बात करते हैं कि कैप्शंस क्या हैं। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आपने जाना है एंड देन उसके बाद जो है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है। आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में जाने के बाद जो है यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें जो इनेबल करनी है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आ रहा है इनेबल सेल कोटेशन, फिर है इनेबल परचेज कोटेशन, और उसके बाद है इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी इसका जो नेम है दूसरा वो है सेल ऑर्डर। अभी किस तरह से काम करते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा एंड देन उसके बाद हम और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम इनको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद वो बोल रहा है ऑटो क्रिएशन एडजस्टमेंट कोटेशन रेफरेंसेस, यहाँ पे बस इसी के ऊपर ही हमने चेक लगाना है, इसको अभी छोड़ देना है। ये शो पेंडिंग कोटेशन स्टिल वॉच अ डेट, यहाँ पे जो है वो कोटेशंस होती हैं जो बनी हुई होती हैं लेकिन उनके ऊपर काम नहीं हो रहा होता, तो यहाँ पे वो पेंडिंग कोटेशंस भी हम शो करवा सकते हैं। फिलहाल हम इसी के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे। इसके बाद है इनेबल परचेज कोटेशन। अब परचेज कोटेशन जो है वो जब हम किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो हमें कोटेशन भेजता है। जब वो कोटेशन भेजता है तो वो हम अपने सिस्टम में एंटर करते हैं कि ये चीज़ इतने की आए। तो इसी तरह आप परचेज कोटेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये है सेल ऑर्डर। यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे ऑटो क्रिएट एडजस्ट ऑर्डर रेफरेंसेस, जस्ट इसी के ऊपर हमने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद ये है, ये कह रहा है कि यहाँ पे इनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड, जिसको छोड़ देना है। हमने यहाँ पे अकाउंटिंग इन प्योर एंट्री वाउचर्स, ये आपने जो है लाजमी यहाँ पे इसको चेक लगा देना है। यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद तीनों को आपने इनेबल कर देने, इनेबल अकाउंटिंग इन मटेरियल इश्यूज एंड इनेबल अकाउंटिंग इन मटेरियल रिसिप्ट, इनेबल अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हमारी जो लिस्ट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी ट्रांजेक्शन में। तो ये देखें, सेल कोटेशन, परचेज कोटेशन, सेल ऑर्डर यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग, और उसके बाद है परचेज ऑर्डर, सही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आ चुकी हैं, यानी ये सेक्शन ऊपर कंप्लीट हो गया। जब हम जो है किसी क्लाइंट को सेल करते हैं तो सबसे पहले सेल कोटेशन हम बनाते हैं। यहाँ पे सेल कोटेशन बनाने के बाद यानी उस क्लाइंट को जो है वो हम बाई मेल उसको भेजते हैं कि ये सामान हमारे पास जो है वो इतने का आपको मिल सकता है। उसके बाद जब हम किसी से परचेज करते हैं तो वो हमें कोटेशन भेजता है, तो उसे कहते हैं परचेज कोटेशन, यानी हम अपने वेंडर की जो कोटेशन होती है वो हम अपने सिस्टम में ऐड करते हैं। एंड देन उसके बाद अच्छा, ये सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर में जब हम जो है वो किसी क्लाइंट को सेल करते हैं, यानी हम अपनी पार्टी को जब सेल करते हैं, तो कोटेशन के बाद जो सेल कंफर्म होती है तो उसे कहते हैं सेल ऑर्डर। यानी सेल ऑर्डर जब बन जाता है देन उसके बाद जाके जो है वो मटेरियल इशूड यानी डिलीवरी चलान वगैरह बनते हैं और इनवॉइसिंग होती है उसके ऊपर।
तो ये इसके ऊपर काम होता है। उसके बाद लोकल परचेजेस, हम इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। जब हम कोई लोकल परचेज करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उनके अलग अलग हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस में या हमारे काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो हमारा एक सीक्वेंस है यानी कैटेगरी वाइज हमारा काम हो रहा है उसमें कोई भी मसला ना हो। तो अब यहाँ पे हम कैप्शंस के ऊपर बात करते हैं। कैप्शन क्या है? इनके नाम, यानी सेल कोटेशन है तो जस्ट हम कोटेशन कर देंगे, परचेज कोटेशन है तो हम जस्ट परचेज कोटेशन, पीओ कोटेशन कर देंगे, सही है। इसी तरह से अगर हम नाम चेंज करना चाहें, मैं आपको प्रैक्टिकली एक करके दिखाता हूँ, अदरवाइज आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है मटेरियल इशूड टू पार्टी, यानी ये डिलीवरी चलान जब हम क्लाइंट को सेल करके वहाँ पे उसके पास सामान हम पहुँचाते हैं या देते हैं या कोई आके यहाँ पे ले जाते हैं, जब डिलीवरी हो जाती है स्टॉक की, तो इसे कहते हैं मटेरियल इशूड टू पार्टी। अब यहाँ पे मैं इसका जो है नाम चेंज करता हूँ। तो जितने भी कैप्शन हैं, जितने भी नाम हैं, वो हम चेंज कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे आप, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स ऑप्शन, एंड देन जनरल में आपने चले जाना है। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे टॉप पे आएगा चेंज वाउचर कैप्शंस, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यस आपने कर देना है, वाई प्रेस करना है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे वाई प्रेस करूँगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे दो चीज़ों के हमने नाम चेंज करने हैं, यानी ये सारे हमारे पास सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कोई भी है हम इसमें से चेंज कर सकते हैं। जैसे सेल ऑर्डर है उसका एसओ कर सकते हैं, परचेज कोटेशन है पीक्यू कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ रहा है मटेरियल इशूड टू पार्टी। सबसे पहले हम इसका करते हैं, जब हम डिलीवरी चालान बनाते हैं किसी को, हम जो है वो सामान बेचते हैं फिर उसकी रिसीविंग लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज करते हैं, तो वो कैसे होगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट डीसी, यानी डिलीवरी चालान, यानी डिलीवरी चालान, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरे का भी नाम चेंज कर देता हूँ। ये क्या होता है? मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। अब ये जीआरएन होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी से परचेज करते हैं, यानी पूरी सेटलमेंट हो जाती है और सामान हमारे पास जो है वो पहुंच जाता है, हम उसकी रिसीविंग देते हैं, तो वहाँ पे जो है बनता है एक गुड्स रिसीव्ड नोट, तो उसे कहते हैं जीआरएन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी करना चाहूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम जस्ट जीआरएन लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको सेव करूँगा तो इनकी जगह पे हमें वही नज़र आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाऊँ तो अभी आप देख सकते हैं डीसी, यानी यहाँ पे था मटेरियल इशूड टू पार्टी, एंड देन उसके बाद था मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। तो ये दोनों के जो है कैप्शन चेंज हो चुके हुए हैं। अदरवाइज आप कोई भी इनका कैप्शन चेंज करना चाहें इन सब में से, तो वो इसी में ही आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।